डिडवाना अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने डिडवाना शहर में संचालित 3 शिक्षण संस्थाओं में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रवृत्तियां प्रदान की है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधि दल आज डिडवाना पहुंचा। इस मौके पर समिति की अध्यक्षा श्रीमती अलका बानगढ़ के नेतृत्व में विद्याश्री स्कूल, ग्रामोत्थान विद्यापीठ एवं बानगढ़ महिला महाविद्यालय में छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की। अध्यक्षा अलका बानगढ़ ने बताया कि विद्याश्री स्कूल में 1,00,000 एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ में 1,10,000 तथा बानगढ़ महिला महाविद्यालय में 1,10,000 का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर अलका बानगढ़ ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर सहायता की जाएगी। डिडवाना क्षेत्र से वैसे भी विशेष लगाव है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समिति हर संभव प्रयास करेगी। इस दौरान उपाध्यक्ष श्रीमती राज झांवर, सचिव श्रीमती आशा माहेश्वरी, श्रीमती पुष्पा बंसल, श्रीमती चंद्रमणि राठी, श्रीमती गीता राठी, श्रीमती मधु, श्रीमती मधु लोहिया, श्रीमती पुष्पा काबरा सहित अन्य मौजूद रही। उसके बाद हम ग्रामोत्थान स्कूल गए, वहाँ हम लोगों ने एक सोलर प्लांट लगाया है उनके इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, और उनको 1,10,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की। और 2 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके माता पिता है नहीं, पर उनकी पढ़ाई के लिए हमने पिछले साल भी 50,000 रुपये दिए थे 2 लड़कियों को, वो इस साल भी हमने दिया है उन लोगों को। और उसके बाद कॉलेज जो है बांगड़ महाविद्यालय, वहाँ हम लोग गए और वहाँ पर हमने लास्ट ईयर 26 कंप्यूटर लगाए थे, 26 या 32 कंप्यूटर लगाए थे। तो उस वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो देखे उन्होंने कैसे काम कर रही है उस पर। और इस साल हमने कॉलेज में प्रयोगशाला बनवाई है और वहाँ पे 1,10,000 रुपया हमने छात्रवृत्ति दी लड़कियों के लिए।